आप फोकस प्रिपरेशन करिए और अपने जो सोर्सेज हैं वो मिनिमम रखिए, फिक्स रखिए। Hi everyone, welcome to another episode of RBI interview series. Today I have Vikas Meena with me who has cleared RBI examination in his fourth attempt. Aaj ka interview un aspirants ke liye hai specifically who have been giving RBI examination again and again, jinka nahi clear ho raha hai. Saath mein jo log UPSC ki taiyari bhi karte aa rahe hain and now they find themselves in a very difficult situation. Yaar aage kaise jaye? UPSC, we are not able to clear. We have been giving RBI also and various other examinations और कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है. We get stuck in interviews somewhere or the other. So exactly क्या विकास ने ऐसा किया that he was able to clear RBI examination in this attempt? ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले congratulations विकास on the selection. First of all, I would want to know and the aspirants would also want to know what is your educational background? कब UPSC की तैयारी start करी? कब RBI की तैयारी start करी? What was different this year? Sir, my graduation got completed in 2017. I did my graduation in mechanical engineering from IIT BHU. And sir, after that, from 2017 itself, I was preparing for UPSC. And with my preparation of UPSC, I was also giving RBI attempt also. But this is my fourth RBI attempt. But I can say that this is my only focused RBI attempt. Because the earlier three attempts I gave with the preparation of UPSC and I was not specifically preparing for RBI. So this was different from in this time. So इसलिए मेरे को लगता है कि इस बार थोड़ा फर्क पड़ा क्योंकि इस बार मेरी पूरी प्रिपरेशन केवल RBI के लिए थी. क्योंकि मेरे को ये समझ में आ गया था कि मुझे किसी एक एग्जाम पर फोकस करना होगा. अगर मैं UPSC को भी साथ साथ करता रहूंगा और उसके साथ दूसरे एग्जाम देने की कोशिश करूंगा तो शायद रिजल्ट उतना अच्छा ना आए. तो मैंने इस बार यूपीएससी की प्रिपरेशन साइड में रखकर और आरबीआई की तैयारी करी. तो आई थिंक दैट सो वर यू आल्सो वन ऑफ दोज की नॉर्मली हमें ऐसे एस्पिरेंट्स मिलते हैं जिनका सिलेक्शन होता है हु हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी और यूपीएससी से इतना कुछ सीख लेते हैं दैट दे प्रिपेयर फॉर आरबीआई फॉर लेट्स से 30 डेज 40 डेज एंड दे क्लियर आल्सो एट टाइम्स. सो आई वांट टू पर्सनली नो कि डिड यू आल्सो फॉलो द सेम अप्रोच या फिर कुछ अलग किया? नो सर, आई डिड नॉट फॉलो द सेम अप्रोच. मैंने इस बार जो आरबीआई की प्रिपरेशन है वो 2 दिसंबर से शुरू करी थी, दिसंबर 2021 से. एंड आपका कोर्स मैंने लिया था उसके लिए ताकि मेरी जो प्रिपरेशन है वो एकदम डायरेक्शन में रहे, फोकस डायरेक्शन में. क्योंकि पहले जब मैंने दिए थे आरबीआई के अटेम्प्ट तो उसमें ऐसा था कि सर्च करना पड़ता था ऑनलाइन मटेरियल. तो मेरा ये था कि इस बार मुझे एक जगह पर अगर पूरा कहीं मटेरियल मिल जाता है और वहाँ से मैं प्रैक्टिस भी कर सकता हूँ क्योंकि मॉक टेस्ट भी होते हैं. तो इसलिए मैंने फोकस्ड प्रिपरेशन के लिए इस बार एक कोर्स लेकर, आपका कोर्स लेकर, और दिसंबर से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी. यू मस्ट हैव प्रिपेयर्ड फॉर सम अदर एग्जाम्स ऑल्सो साइमल्टेनियसली बिकॉज आई रिमेंबर एंड आई नो कि 3-4 बार नहीं होता है यूपीएससी में, देन यू स्टार्ट लुकिंग फॉर अदर ऑप्शंस. सो व्हाट वर दोज अदर एग्जाम्स, वहाँ पे रिजल्ट क्या रहा? सर, मैंने IBPS PO का दिया था एग्जाम एंड ECGC PO का, जिसका भी रिजल्ट आया रिसेंटली, उसका भी मैंने एग्जाम दिया था. तो उनमें मेरा हो गया था. IBPS PO में मेरे को बैंक ऑफ इंडिया मिला था PO एंड ECGC PO में भी मेरा हो गया सिलेक्शन. बट इन एग्जाम्स के लिए मैं ये नहीं कह सकता मैंने स्पेसिफिकली प्रिपेयर किया, क्योंकि जो RBI की मेरी प्रिपरेशन थी उसी से ये एग्जाम निकल गई, मैं बोल सकता हूँ. सो कैन यू से दैट ऑनेस्टली, कैन यू से दैट because you were preparing for RBI and because these exams are a subset of RBI, kuch bhi alag nahi hai. Yes sir. So that is why you could clear these. Yes sir, because English is there, quant reasoning and general awareness is there, and in mains examination of IBPS and in ECGC also there is a descriptive part also, and that is in RBI also. So keh sakte hain ki ye matlab jo RBI mein padhte hain usse hi exam clear ho jata hai, sab kuch cover ho jata hai. Let's come to your preparation now. You started preparing as you said in December. Yes sir. So December से लेके May June तक की जो journey रही month by month, how did you proceed with your preparation? जिससे कि जो अभी students preparation start कर रहे हैं, they can also have an idea कि 4-5 महीने में किस तरह से तैयारी की जा सकती है. Sir, basically first I started with the management. मेरा ये था कि मैं phase 2 की जो preparation है वो पहले कर लूँ, और phase 1 में मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट था कि मैं बाद में भी जब वो आएगा
नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बाद से मैं उसकी प्रिपरेशन करूँगा, कर सकता हूँ मैं। तो फेज टू में मैंने पहले मैनेजमेंट किया, और उस टाइम पे मेरे पास टाइम भी था थोड़ा, तो मैंने काफ़ी अच्छे से आराम से उसके लिए किया। और दिसंबर से मैं बोलूँगा कि मैं आरबीआई की प्रिपरेशन भी कर रहा था और यूपीएससी भी कर रहा था साथ साथ, ये पता नहीं था नोटिफिकेशन की डेट क्या है, कब आ सकता है, इसलिए तो मैंने मैनेजमेंट कवर होने में लगभग 1 महीना लग गया था उसमें। जो वो मैंने आपके कोर्स ही किया था, तो उसमें हर टॉपिक के बाद क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वो सब तो मैंने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली बोल सकता हूँ मैनेजमेंट को कवर किया। और फिर फेब में ऐसा हुआ था कि फेब में मैं घर गया था कुछ पर्सनल रीजन की वजह से, 1 महीना मेरा पूरा घर पे गुजरा। फिर मार्च में इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस मार्च में मैंने कवर किया। फिर उसके बाद मार्च से 22 मार्च को नोटिफिकेशन आया था। फिर अप्रैल में भी मैंने रिवीजन ही किया था, मैनेजमेंट का रिवीजन, फाइनेंस का रिवीजन, इकोनॉमिक्स का रिवीजन। और मई में मैंने फेज़ वन के लिए पढ़ाई स्टार्ट करी थी। तो मई में मेरा जो फेज़ वन के लिए मेरा जो ज़्यादातर टाइम था वो जीएस के लिए गया था, जनरल स्टडीज़ के लिए, क्योंकि क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश मेरे अच्छे थे, तो 80% ऑफ द टाइम मैं बोल सकता हूँ कि वो जीएस के लिए गया था। और जीएस के लिए मैंने स्पॉटलाइट फॉलो करी थी मेजरली, और उसके अलावा जो RBI 247 है और PIB 247 है, जो मनीष सर लेते हैं PIB 247, और स्पॉटलाइट में भी जब एग्ज़ाम नियर आ जाता है तो नेहा मैम सेशंस लेती हैं क्वेश्चंस के, जीएस के क्वेश्चंस के, तो वहीं से मेरी प्रिपरेशन हुई थी जीएस की। नॉर्मली बहुत सारे स्टूडेंट्स दो चीज़ें करते हैं, एक तो दे डोंट नो कि कितने महीने का करना चाहिए, एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज कि अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स प्रिपेयर RBI 247 एंड PIB 247 आफ्टर फेज वन। व्हाट वाज योर अप्रोच, अप्रैल और मई में क्या किया? सर मैं RBI 247 और PIB 247 तो मैंने फेज़ वन के लिए भी करा था, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आ ही सकते हैं, तो इसके लिए भी किया था मैंने वो फेज़ वन के लिए भी। और अगर मैं टाइम ड्यूरेशन की बात करूँ तो मैंने 6 महीने का जीएस कवर किया था, दिसंबर 2021 से लेकर अपना मई जो एग्ज़ाम था वहाँ तक। और फिर मेरा जो फोकस्ड था, ज़्यादा फोकस जिस पे था वो था 3 मंथ्स, यानी कि मार्च से वो मार्च अप्रैल एंड मई। और PIB 247 और RBI 247 मैंने इन 3 मंथ्स के लिए करी थी बस। तो ये मुझे लगता है कि 6 मंथ्स का जो जीएस है वो मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है। और आप फोकस कर सकते हैं ज़्यादा 3 मंथ्स के, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से आते हैं। यस और जो कुछ क्वेश्चंस थे जैसे कि अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे काफ़ी सारे, 3 4 क्वेश्चंस थे, वो तो शायद लास्ट मंथ की उससे ही आ गए थे, वो मैंने स्पॉटलाइट में पढ़े थे, मुझे पता था पिछले दिन ही मैंने पढ़े थे और अगले दिन ही वो एग्ज़ाम में आ गए थे, ऐसे शायद 3 4 क्वेश्चंस थे। तो मैं कहूँगा अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 3 मंथ्स का कर लीजिए, और अगर आपके पास टाइम थोड़ा ज़्यादा है तो आप 6 मंथ्स तक कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा पीछे आए, लेट्स से वी कम टू दिसंबर अगेन, तो यू सेड यू वर प्रिपेयरिंग मैनेजमेंट एट दिस टाइम, तो क्या बस पूरे दिन मैनेजमेंट ही कर रहे थे या फिर फेज वन का कुछ या न्यूज़पेपर ऐसा कुछ भी उठाया करते थे? हाँ नहीं सर, मेरा यह था कि मैंने टाइम डिवाइड कर लिया था कि मैं यूपीएससी का भी थोड़ा पढ़ रहा था और आरबीआई का भी पढ़ रहा था, क्योंकि सर्टेनिटी नहीं थी कि आरबीआई का नोटिफिकेशन कब आएगा, इस वजह से। तो मेरा यह था मैं यूपीएससी का भी पढ़ूँ और आरबीआई का भी पढ़ूँ, और मेरा यह था कि अगर नोटिफिकेशन जब आ जाता है तो फिर मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन को साइड में रखकर और आरबीआई का इस बार अटेम्प्ट दूंगा। तो इस वजह से मैं मॉर्निंग में मैनेजमेंट पढ़ता था, और उसके अलावा थोड़ी बहुत क्वांट और रीजनिंग के मैं प्रैक्टिस करता था, बाकी अपना यूपीएससी का। तो न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ हाँ रहे थे। न्यूज़ पेपर तो पढ़ता था। सो इफ देर इज अ स्टूडेंट हु डज नॉट रीड न्यूज़पेपर, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो न्यूज़पेपर कंफर्टेबल नहीं होते, सो दे हैव मोर टाइम इन देयर हैंड्स नाउ, सो आई थिंक दे कैन कवर और शुड दे कवर ये जो स्पॉटलाइट है या फिर कोई भी हाँ मैगजीन हाँ है। स्पॉटलाइट आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक साथ कवर करने की कोशिश करेंगे जैसे मैंने करी थी, थोड़ा सा डिफिकल्टी आ जाती है, क्योंकि इतना ज़्यादा आपको याद रखना है, इतना ज़्यादा मेमोराइज करना है। और अगर आप उसको साथ भी कर रहे, 6 महीने पहले से करते हुए आ रहे हैं, तो फिर वो रिलेटिवली इजी हो जाता है। तो अप्रैल और मई में योर प्राइमरी फोकस वाज ऑन कवरिंग क्वांट एंड रीजनिंग, अप्रैल में मेरा ये था, मैं फेज टू के लिए पढ़ रहा था अप्रैल, तो अप्रैल में। अप्रैल में मेरा रिवीजन चल रहा, रिवीजन में कर रहा था मैनेजमेंट का, फाइनेंस का। और मेरा ये था कि मैं फेज वन केवल मई में करूँगा, तो फर्स्ट ऑफ मई से मैंने फेज वन के लिए तैयारी स्टार्ट करी। इस टाइम में कुछ मॉक्स भी लिखे होंगे, सर मैंने मॉक्स दिए थे। कितने मॉक्स लिखे अप्रोक्सीमेटली और उनसे क्या सर इम्प्रूवमेंट रहा? इसमें मैंने फेज टू के मॉक्स तो नहीं दिए थे इस टाइम पीरियड में, बस जो आपके क्वेश्चंस होते थे
प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते थे वही मैंने किए थे। और फेज वन के लिए सर आपके 10 मार्क्स थे, तो उसमें मैंने 10 तो नहीं दिए थे, मैंने 7 मार्क्स दिए थे। यस ठीक है, उनसे इम्प्रूवमेंट लगा सर था बिल्कुल, क्योंकि आप देखते हो कि आपसे कहाँ गलतियाँ हो रही है और आप कितना इम्प्रूव कर सकते हो और सेल्फ एनालाइज आप कर पाते हो, तो मॉक्स काफी फायदेमंद होते हैं, वो देने चाहिए। फेज वन और फेज टू के बीच में? व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी लाइक? व्हाट डिड यू डू? सर फेज वन फेज टू में मेनली तो ये था, क्योंकि फेज टू डिस्क्रिप्टिव अब आ चुका है, तो उसमें आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। तो फेज वन एंड फेज टू में सर ये था, क्योंकि RBA 247 और PIB 247 ये फेज टू के लिए मेजरली होते हैं, बट मैंने फेज वन के लिए भी कवर किए थे। और आंसर राइटिंग किस तरह से की फेज वन के बाद? सर फेज वन के बाद आंसर कुछ तो मॉक टेस्ट थे वहां पर साइट पर ही, और बाकी आपने भी कुछ लाइव आंसर राइटिंग सेशंस लिए थे, तो सर वहीं से मैंने वो आंसर राइटिंग अच्छा, करी थी। और मेरा फोकस यही था कि मैं वर्ड लिमिट के जितना करीब पहुंच पाऊँ उतना, क्योंकि वर्ड लिमिट काफ़ी ज़्यादा होती है, 600 for 15 मार्कर्स एंड 400 for 10 मार्कर्स, तो वो काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स हमको टाइप करने होते हैं, तो वो भी एक चैलेंज होता है। तो अगर वो ही उस पर मेरा फोकस था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, मिस्टेक नहीं, एक नॉर्मल परसेप्शन होता है कि व्हेन द रिजल्ट ऑफ फेज वन कम्स आउट उसके बाद ही तैयारी करेंगे, या फिर उस बीच में ना फ्लो खत्म हो जाता है कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली। तो डिड यू ऑल्सो फेस दैट प्रॉब्लम, और डिड यू स्टार्ट विद योर फेज टू प्रेप इमीडिएटली आफ्टर सर फेज वन? इमीडिएटली तो नहीं कहूँगा, मैंने भी 3 4 दिन का तो गैप लिया ही था, और उसके बाद मेरा यह था कि कॉन्फिडेंट था मैं कि मेरा निकल जाएगा फेज वन, तो 3 4 दिन का फिर भी हो ही जाता है। अपन मेरा यह था कि मैं 2 दिन के बाद ही पढ़ाई स्टार्ट कर दूंगा, बट वो 3 4 दिन तक खिंच जाता है, तो बट उसके बाद मैंने पढ़ाई कर दी थी, मतलब रिजल्ट आने से पहले ही मैंने, क्योंकि इस बार रिजल्ट थोड़ा लेट हो गया था, शायद यस 7th of June को रिजल्ट आया था, तो उससे पहले ही मैं पढ़ना शुरू कर दिया था, और उससे पहले ही आपने भी सेशन लेना शुरू कर दिए थे, तो मैं फॉलो कर रहा था। ठीक है। कोई रीज़न तुम्हें लगता है इस साल तुम्हारे सिलेक्शन का रहा हो? समथिंग दैट यू वर नॉट डूइंग बिफोर, जो तुमने इस बार की, बिकॉज ऑफ विच यू कुड मेक अ डिफरेंस इन योर प्रिपरेशन, ऐसे कुछ एक रीज़न या मल्टीपल रीज़न्स? सर वन रीजन आई कैन टेल दैट इट वाज माय फोकस्ड प्रिपरेशन। पहले जो मैंने अटेम्प्ट्स दिए थे उनमें ऐसा था कि कहीं से भी पढ़ लिया, जो कोर्स मैंने कोई परचेस नहीं किया था किसी से भी उस टाइम पे, तो इस बार जब मैंने आपका कोर्स परचेस किया वो इसीलिए किया था क्योंकि मेरे को डायरेक्शन रहे कि हाँ यार मेरे को यहीं से पढ़ना है, और मेरे पास एक फिक्स्ड सोर्स रहे पढ़ने के लिए, क्योंकि तो अगर हम नेट पे जाते हैं और वहाँ से पढ़ने की कोशिश करते हैं देन इट बिकम्स वेरी डाइवर्स, और हमको पॉइंट करना होता है कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट है ये नहीं। तो अगर आप कोई कोर्स ले लेते हैं तो मुझे लगता है कि वो आपका फोकस्ड डायरेक्शन में प्रिपरेशन चल जाती है, तो वो मुझे लगता है वो मेरे लिए ठीक रहा इस बार। और ये भी था कि काफ़ी टाइम हो गया था मुझे प्रिपेयर करते हुए, UPSC की प्रिपरेशन करते हुए 5 साल हो गए थे कॉलेज छोड़े हुए, तो वो भी था कि यार कोई जॉब लेनी है, RBI अच्छी जॉब है तो इस बार करना ही है, तो एक वो डेस्परेशन भी थी, तो इस बार वही था कि करना ही है किसी भी तरीके से। कोई मैसेज जो स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहोगे, जो तुम्हें लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, आउट ऑफ योर ओन लर्निंग? सर मैं ये कहूँगा कि अपने आप फोकस्ड प्रिपरेशन करिए, और अपने जो सोर्सेज हैं वो मिनिमम रखिए, फिक्स रखिए, उससे आपको रिविजन में भी फायदा होगा। और मैंने देखा कि स्टूडेंट्स जो GS के लिए काफ़ी सारी मैगजीन्स फॉलो करते हैं, तो मुझे नहीं लगता वो फायदेमंद होती होंगी, आप एक मैगजीन को फॉलो कर सकते हैं और उसी का रिविजन कर सकते हैं बार बार। एंड अलॉन्ग विद दैट मैं बोल सकता हूँ कि जो स्टूडेंट्स UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो साथ साथ भी देते हैं दूसरे एग्जाम, बट वो नहीं निकल पाते हैं, तो मैं उनसे ये बोल सकता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो निकाल लेते हैं दूसरे एग्जाम के साथ में प्रिपरेशन करके, बट जिन स्टूडेंट का नहीं हो पा रहा दूसरे एग्जाम में, वो UPSC की प्रिपरेशन थोड़ा टाइम साइड में रखकर किसी दूसरे एग्जाम की स्पेसिफिकली प्रिपरेशन कर सकते हैं, जैसे मैंने करी इस बार। इस बार मेरा यह था कि RBI पे ही मेरे को फोकस करना है, तो मुझे लगता है वो उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। आई थिंक बहुत अच्छा एक छोटा सा हमारा कॉन्वर्जेशन हुआ, बहुत मज़ा यस आया मुझे। एक छोटी सी बुक है मेरे पास फॉर यू, यू टोल्ड मी दैट यू प्लान टू रीड ऑन फाइनेंस यस और तुम्हें सर मज़ा आता है, सो दिस इज अ बुक, साइकोलॉजी ऑफ मनी। आई एम श्योर बहुत मज़ा आएगा तुमको ये बुक पढ़ के। लेट मी राइट समथिंग, हमारा कॉन्वर्जेशन जो हुआ है, वॉट एवर आई कैन गैदर यस फ्रॉम सर दिस अबाउट यू एज अ पर्सन, आई एम वेरी श्योर यू विल रिमेंबर इट एंड कीप इट विद यू।
जब भी मैं बात करता हूँ तो आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कोई पर्सनैलिटी कैसी है, आप किस तरह के इंसान हैं, बिकॉज एट द एंड दैट इज़ व्हाट मैटर्स. यस सर. तो ये छोटा सा मेरी तरफ से है, योर हम्बलनेस एंड फोकस इज़ वेरी इंप्रेसिव. बी द सेम, दिस थैंक यू सर. इज़ फॉर यू एंड थैंक्स सर. आई एम श्योर यू गोइंग टू डू वेरी वेल इन RBI. वहां पे जाके लर्न मोर अबाउट यस फाइनेंस, सर. इट्स अ वंडरफुल फील्ड, यू आर गोइंग टू डू वेरी वेरी यस वेल. सर. यस सर. RBI का मेरा इसलिए भी मेरे को RBI फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट है, तो आई थिंक दैट RBI में काम करने में मजा आएगा. You will do यस amazing यस there. सर. थैंक यू. All the best. Take care. This was all for this session of RBI interview series. I am sure you liked it. Especially जो UPSC aspirants हैं, जो RBI को seriously एक attempt देना चाहते हैं, I think Vikas's strategy is going to help you a lot. 6-7 महीने उन्होंने दिए, उतना time आपको देना पड़ेगा if you want to clear the examination with certainty. If you have any doubts, any questions, any feedback, any confusions, you can get in touch with me. कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल सकते हो एंड आई विल ट्राई एंड आंसर दैट. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. आई विल सी यू वेरी वेरी सून अगेन. टेक केयर. बाय बाय.